ब्रह्ममय संस्थान की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी जयंती दीदी हरियाणा के पानीपत दादी जान की पॉजिटिव हेल्थ केयर सेंटर का उद्घाटन करने पहुंची। दादी जान की पॉजिटिव हेल्थ केयर सेंटर ज्ञान मानसरोवर के परिसर में बना हुआ है, जिसके उद्घाटन अवसर पर बीके जयंती दीदी, सांसद किशन लाल पवार, पंजाब जोन प्रभारी बीके प्रेमलता दीदी, पानीपत सर्कल प्रभारी बीके सरला दीदी, ज्ञान मानसरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण, मधुबन से वरिष्ठ राज्यक शिक्षिका बीके हंसा दीदी और कवि बीके विवेक भाई मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। इस मौके पर एक भव्य पब्लिक प्रोग्राम का आयोजन हुआ, जिसमें किशन लाल पवार ने देश की नई राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का जिक्र करते हुए कहा कि माननीय द्रौपदी मुर्मू जी अपने सबसे मुश्किल दौर में ब्रह्म कुमारी के संपर्क में आई थी और आज वो देश के सबसे उच्च पद पर आसीन है। हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। देश की हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो बने हैं, उसकी हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो हम सबको उनसे प्रेरणा मिलेगी। इतने डिप्रेशन में जाने के बाद आश्रम में गई, वहां जाकर उनके मन को शांति मिली। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बीके जयंती दीदी ने दादी जान की पॉजिटिव हेल्थ केयर सेंटर के खुलने की बधाई देते हुए सदा पॉजिटिव संकल्प द्वारा तनाव मुक्त और स्वस्थ रहने का मंत्र दिया। तो वहीं बीके प्रेमलता दीदी, बीके सरला दीदी और बीके भारत भूषण ने भी अपनी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। इस हेल्थ केयर सेंटर में एक बाबा का कमरा अथवा मेडिटेशन का भी कमरा बनाया गया है और वहाँ पर भी थोड़ा समय भी बैठने से बहुत ही आत्मा को एक नई जान, एक नई प्रेरणा, एक शक्ति का अनुभव हो सकता। क्योंकि जब आत्मा शक्तिशाली है तो कुछ भी कार्य स्थूल रीति से सहज हो जाता। ओ प्यारे भोलानाथ शिव साजन, हम तेरे घर में आए हैं और दुनिया में तुम्हारा नाम रोशन करके जाएंगे, रोशन करके जाएंगे। प्यारे हमारे शिव बाबा, जिन्होंने ये जग रचा, जिन्होंने इस जग के अंदर हम सब की आहुति ले रहे हैं। दादी हमेशा के उनका परिचय देते थे, मैं केयर करती हूँ, इंस्पायर करती हूँ और सबको अच्छी तरह उमंग उत्साह भरती हूँ, तो उनका पार्ट भी ये था। तो दादी जानकी पॉजिटिव हेल्थ केयर सेंटर, ये नाम निर्वैर भाई ने दिया। इस कार्यक्रम से एक दिन पूर्व पानीपत के ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में नव निर्मित सुखदम भवन का उद्घाटन बीके प्रेमलता दीदी, बीके सरला दीदी, बीके भारत भूषण भाई और बीके रानी दीदी की उपस्थिति में बीके जयंती जी के कमल हस्तों से हुआ। इस उपलक्ष में आर्य कॉलेज के विशाल सभागार में पब्लिक प्रोग्राम का आयोजन भी हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद संजय भाटिया, पानीपत उपायुक्त सुशील सारवार उपस्थित रहे और सेवा केंद्र द्वारा ईश्वरीय सेवाओं के विस्तार के लिए ओल्ड हाउसिंग बोर्ड सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता दीदी को अपनी शुभकामनाएं दी। सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे शिव बाबा का, जिनकी छत्र छाया में हम सब पल रहे हैं